तो हमारे दर्शक, अभी आप देख रहे हैं कि हमारे सामने और इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि इस घोड़े के ओनर हमारे पास मौजूद हैं और इस घोड़े के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बताएंगे। चलिए हम जानकारी लेते हैं। तो दादाजी, आपका हमारे यूपी रेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा कि अपना नाम और एड्रेस पता हमारे दर्शक को बताइए। अपना नाम बताइए। शमीम अहमद जी, सरेया रसूलपुर जी, ज़िला गाजीपुर जी, जी थाना नुनहरा जी। आपके पास बहुत काफ़ी अच्छा ये घोड़ा काला अभिलख। हाँ, जो काला अभिलख है। हाँ, रंग में बोला जाता है। कितने वर्ष से आपके अस्तबल पे है? कितने वर्ष पहले खरीद कर लाए हुए हैं? ये 2 साल पहले जी। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इतने कम और इतने उम्र में कितने घोड़े रख चुके हैं? गिनती नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि सन 1910 से अब तक मेरे दरवाजे पर घोड़ा रहा है। यानी घोड़ों का गिनती नहीं कर सकते कितने घोड़े आए और कितने गए। हाँ। लेकिन घोड़ा तो बहुत अच्छा अच्छा नस्ल के आप रखते हैं। जी हाँ, अच्छी नस्ल के ले आते हैं, रखते हैं जी। और इस उम्र में इस घोड़े को आप पूरी तरह से देखभाल कर लेते हैं? जी हाँ। कितना उम्र का होगा ये घोड़ा? ये 4 दांत यानी 4 साल। 4 दांत लग चुका है। रंग इसका काला अभिलग है जी हाँ। और इसकी हाइट कितना होगा लमसम? 58 इंच। 58 इंच के करीब में है। लमसम चाल में क्या चलता होगा घोड़ा? 34-35। इसकी ट्रेनिंग शुरू है या घोड़ा इसी तरह अस्तबल पे बस बैठ कर खा रहा है? नहीं, हाँका भी जाता है और बैठ के खाता भी है जी। दौड़ाया जाता है। लमसम स्पीड इसकी कायम कितनी होगी? स्पीड यानी 40 की कितनी होगी लमसम स्पीड? कभी नापे उपे हैं इसकी गाड़ी चलाए के? 34 चलता है। 33-34। क्या चलता है चाल में? चौताला चलता है। कौन कौन घुड़सवार इस पे घुड़सवारी कर चुके हैं इससे पहले आपके अस्तबल पे इस घोड़े पे? बैजनाथ सवार करते हैं। तो क्या अगर इस घोड़े को दर्शक लेना चाहेंगे तो आप इस घोड़े को सेल करेंगे, बिक्री कर देंगे जी? तो हमारे दर्शक को इसी के साथ अपना नंबर अगर याद है तो बता दीजिए। नंबर बता देते हैं जी। घोड़े को क्या खान पान में देते हैं दोनों टाइम मिलाकर, डाइट क्या देते हैं इसको? चना है, चोकर है, भूसा है जी। कभी आपको इस घोड़े से अब डर नहीं लगता कि घोड़ा इतना तगड़ा है और आप इतने बुजुर्ग हैं, अगर घोड़ा घींच दे तो कैसा? ये बहुत रईस घोड़ा है, घींचेगा है ही नहीं। अच्छा, मतलब आपको ये छोड़ कर जाएगा नहीं, बदतमीजी नहीं करेगा? नहीं, कोई बदतमीजी नहीं जी। बहुत अच्छा घोड़ा है। और आपका इस घोड़े से बहुत दिन से लगा हुआ है या जल्दी खरीद को लाए हुए हैं इस घोड़े को? 2-3 साल हो रहे। 3 साल से रखे हुए हैं। बच्चा पलाए थे? बच्चा लाए थे। कहाँ से लाए थे इसको? राजस्थान से लाए थे। दर्शक आप पूरी तरह से देख सकते हैं। तो फिर इसको सेल करेंगे तो लाएंगे जी? हाँ। अच्छा अच्छा, अपना नंबर बताइए। नंबर 96-70 जी, 10 जी, 16 जी, 58 जी। इसी नंबर पे दर्शक बात कर सकते हैं आपसे जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा अपने घोड़े के बारे में बता के। और दर्शक, इसमें आप देख सकते हैं दादाजी कितने उम्र के हो चुके हैं एकदम, लेकिन इनको घोड़े से लगाव बहुत ज़्यादा है और अभी भी अपने अस्तबल पे घोड़ा रखे हुए हैं। ये इनकी बहादुरी है, जो इनको घोड़े से अलग रहना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए अभी रखेंगे आगे तक जब तक आपके शरीर में जान रहेगा कि छोड़ देंगे फिर? नहीं, रखेंगे रखेंगे। हाँ रखेंगे। अच्छा, कभी घोड़े से आपका मन नहीं उगता है कि नहीं हम नहीं रखेंगे? नहीं। अच्छा, घोड़ा न रहे तो चैन नहीं मिलेगी जी, संतोष नहीं होता जी। रखेंगे घोड़ा, जब तक जीवित रहेंगे तब तक रखेंगे, आशा है जी। खाली घोड़े रखते हैं कि घोड़ी वोड़ी भी रखते हैं? नहीं, घोड़ा रखते हैं। अच्छा, घोड़ा रखते हैं। चलिए ठीक है, फिर से एक बार अपना नाम और एड्रेस पता बता दीजिए हमारे दर्शक को। शमीम अहमद जी, सरेया रसूलपुर जी, थाना नुनहरा जी, ज़िला गाजीपुर जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शक, इस घोड़े को आप पूरी तरह से देख सकते हैं, काफ़ी इस घोड़े की हाइट और बनावट, शरीर का और रंग, और घोड़े का पैर भी देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा है, जो कहीं से फॉल्ट नहीं है, बहुत अच्छा है घोड़ा। ये सेल एंड बिक्री में है, जिस भाई को अच्छा लगता हो तो ले भी सकते हैं घोड़ा। दादा को आप देख रहे हैं कितने बुजुर्ग हैं, पाल पोस कर बड़े किए हैं, और ये अब
इस घोड़े को बेचना चाहते हैं, बिक्री में रखे हुए हैं, जो भाई लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं। बहुत अच्छा घोड़ा है। चलिए आगे और आपको ऐसा ही घोड़ा और दिखाते रहेंगे। रेस भी तमाम होने वाली है, उसका वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। आप हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहें दर्शक, और ऐसा ही घोड़ों का वीडियो देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए सभी दर्शकों को।